आप ऐसे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप सिंगापुर में, कोरिया में ऐसे घूम रहे हैं, मलेशिया में, आपको जैसे हम कम कॉस्ट में ज्यादा अफोर्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बोला। तो हाँ, मैं अगर आपको बाहर वाली फील लेनी है ना, तो यहाँ पर आप, यहाँ पे आओ आप, बढ़िया रहेगा। हम लोग माउंट एवरेस्ट जा तो नहीं सके, बट यहाँ से बिल्कुल क्लियर उसे देख तो लिया, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बात है। गौतम तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अपनी आगे डबल कर कर के देख रहे हैं। तो यहाँ पर आकर आप जो भी विशेज मांगोगे ना, तो आपकी जरूर पूरी होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज आर डे 3 इन काठमांडू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, काठमांडू जो है वो है कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, एंड यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं ना घूमने के लिए, कैप्चर करने के लिए मोमेंट्स। सो आज हम लोगों ने अपनी आइटनरी इस तरीके से प्लान करी है कि आज हम लोग आप लोगों को लेकर चलेंगे चंद्रगिरी हिल्स, जहाँ पर आपको हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। पैनारोमिक व्यूज़ हैं जो आप लोग देख सकते हैं, एंड वहाँ पर जाके माउंट एवरेस्ट तक देखने को मिलता है। सो बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आने वाले हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस भी होने वाला है। इस व्लॉग के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग हम लोग बताएंगे इन डिटेल के अंदर, कि कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या आपका कॉस्ट आएगा, एंड क्या क्या चीज़ें आप लोग वहाँ पर जाकर कैप्चर कर सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने अपने होटल के बाहर से ही टैक्सी बुक कर लिया है, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को कवर अप करेंगे। पहले तो चंद्रगिरी हिल्स तक वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद हम स्वंभुना टेम्पल भी कैप्चर करेंगे, और इसके अलावा भी अगर हमें ऑप्शन मिला तो हम बहुत सारी और चीज़ें भी कैप्चर कर लेंगे। एंड इसका जो हमें प्राइस कॉस्ट करा वो था 2200 नेपाली रुपीज़। सो हमें लेकर भी जाएंगे भैया जी, और वापस भी ड्रॉप कर देंगे हमारे होटल पर। यहाँ से भी चंद्रगिरी कितना दूर है? 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर है, तो कितना टाइम लगता है यहाँ से? आधा घंटा से 40 मिनट। अच्छा, आधा घंटे से 40 मिनट लगते हैं। ट्रैफिक नहीं होगा, अगर ट्रैफिक होगा तो कभी एक घंटा भी लाएगा। अच्छा अच्छा, श्योर नहीं है। मैंने यहाँ पे एक चीज रियलाइज करी है, यहाँ पे रेड लाइट बहुत कम है काठमांडू में। जो इम्पोर्टेंट जगह में है रेड लाइट, अच्छा, लेकिन थोड़ा खुला में नहीं है। अच्छा अच्छा, ट्रैफिक हैंडल करता है। अच्छा, ट्रैफिक वाले पुलिस वाले वो हैंडल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, देता है। हाँ हाँ, आओ जाओ, हाँ, और ट्रैफिक वाला खड़े होकर सिग्नल देता है, लेफ्ट या राइट मुड़ जाओ। अच्छा अच्छा, रीच्ड टू चंद्रगिरी हिल्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुँच कर। अगर आपको दिखाऊँ, अगर आप चंद्रगिरी हिल्स आओगे ना, तो यहाँ पर आपको पूरा काठमांडू वैली देखने को मिलेगी, एंड पीछे पूरा अगर आप देखोगे ना, आपको पूरी काठमांडू सिटी दिख रही है। इतना अमेजिंग सा व्यू आ रहा है यहाँ पर देखने में, पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, इतना शांत, इतना पीसफुल एनवायरमेंट है। एंड जो चंद्रगिरी हिल्स है ना, ये 2551 मीटर्स की हाइट पर बना हुआ है गाइज, एंड यहाँ पहुँच कर ना थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी लग रहा है, बिकॉज जितना हाइट पर पहुंच रहे तो वेदर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, एंड सर्दी का मौसम है और उसमें धूप बहुत अच्छी लगती है। सो अब चलकर टिकट प्राइसेस जान लेते हैं। तो यहाँ के जो टिकट प्राइसेस है वो भी आप देख रहे होंगे ऊपर लिखे हुए हैं। वन वे के लिए है 475 नेपाली, इसके लिए नेपाली रुपये में ये सब लिखे हुए हैं। आना और जाना करना है तो 800 रुपये उनके लिए, एंड साक कंट्रीज के लिए जैसे हम लोग इंडियंस के लिए 760 रुपीज़ वन वे, एंड वापसी के लिए 1280 रुपीज़ आना और जाना। सो अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमें 800 रुपये पड़ रहा है आने और जाने का। सो इनकी टिकट्स कुछ इस तरीके से है, जिनके ऊपर एज अ स्कैनर बना हुआ है, एंड चलते हैं ऊपर, एंट्रेंस है ऊपर से। सो ये हमें स्कैन कराना पड़ेगा। तो ये है केबल कार, सेम मुझे ऐसे देखकर याद आ रहा है जैसे कि हम लोग कजाकिस्तान गए थे ना, वहाँ पर भी हम लोग केबल कार में बैठे थे। अभी एकदम इसकी स्पीड हो गई है, एंड पीछे से चलकर देखते हैं अब कैसा व्यू आता है इसका यहाँ से।
जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं ना, वैसे एकदम ऐसे लग रहा है कि कान बंद होने लग गए हैं. मतलब ऐसा नहीं है, बहुत स्टेबल चल रही है, सही है जाने के. एंड सेफ, मतलब सेफ्टी भी सही लग रही है मुझे तो, सेफ्टी वाइज भी. दैट्स सो ग्रेट. भैया जी इज कैलकुलेटिंग द टाइम कि अभी अराउंड 10 मिनट्स होने वाले हैं. एंड हम लोगों ने किसी के ब्लॉग में देखा था, किसी ने बोला था 9 मिनट में पहुंच जाएंगे, बट हम आपको एक्चुअल टाइम बताएंगे कि कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए, सेकेंड्स के साथ वो भी. गाइज एग्जैक्ट 15.5 मिनट लगे हम लोगों को ऊपर पहुंचने के लिए थ्रू केबल कार. एंड बहुत अच्छा सफ़र था वो, एकदम कान बंद हो गए थे, शांति पीसफुल, बस ऐसा हो रहा था हम पहुंच जाए. एंड पीछे से अगर आपको व्यू दिखाऊं, यहां पर आकर और ज़्यादा हाइट पर आ गए हैं तो व्यू और भी ज़्यादा प्यारा हो रहा है. सो पैरानोमिक व्यूज़ को तो आप इन्जॉय कर ही सकते हो. पीछे रेंज बहुत और ज़्यादा विजिबल हो रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है. सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप लोग आने का प्लान करें, वेदर थोड़ा सा देख कर आना. वेदर अच्छा होगा तो आपको ये ज़्यादा जो नज़ारे हैं देखने के वो और अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे. सो ऊपर चलते ही यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पर भलेश्वर टेम्पल भी है. सो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो भलेश्वर टेम्पल के भी दर्शन करना. एंड इसकी जो हिस्ट्री है वो सारी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, वो मैं आपको ऊपर चल के बताऊँगी. एंड यहाँ पर आकर अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी करनी है तो आप ज़िपलाइनिंग कर सकते हैं, जो कि काठमांडू की हाईएस्ट ज़िपलाइन है. कितने मीटर्स हाइट पर बना हुआ है, 2551 मीटर्स की हाइट पे. एंड काफ़ी लोग यहाँ से ज़िपलाइनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखा देते हैं. उसके अलावा भी साथ ही में यहाँ पर आप साइकिल वाली ज़िपलाइनिंग भी कर सकते हैं. मीन साइकिल के ऊपर बैठकर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, वो है सामने वाला पॉइंट. एंड उससे पीछे वाला जो है वो दूसरी तरीके की ज़िपलाइनिंग वाली है, जैसे हैंग करके चले जाओ. सो मैं थोड़ा सा मन बना रही हूँ, करती हूँ कि नहीं वो आपको वीडियो में देखकर पता लग जाएगा. गौतम क्या आप करोगे ज़िपलाइनिंग? पहले चल के ना, अभी हम पहले मंदिर ही रहा. यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, स्विंग भी होती है, वॉल क्लाइंबिंग भी होती है, फ्री फॉल भी है. मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी जोन एरिया है पीछे बना हुआ है. पहले मंदिर के दर्शन करते हैं. यार बहुत देर से बोल रही हूँ, मंदिर दिखाती हूँ, मंदिर दिखाती हूँ. यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताओ, इस टेंपल के बारे में, तो दक्ष ने लॉर्ड शिवा जी की इंसल्ट करी थी बाकी देवताओं के सामने. एंड ये देखकर उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी सती देवी, उन्होंने अपने आप को अग्नि के अंदर समर्पित कर दिया था. एंड लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड उन्होंने उनकी बॉडी को हाथ में उठा लिया एंड वो लेकर घूमते रहे. एंड जगह जगह उनके बॉडी पार्ट्स कहीं ना कहीं बिखर गए थे, जिनमें से उनका जो सर था वो जहाँ गिरा तो वहाँ पर आज भुलेश्वर टेम्पल स्थापित है. ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है बाहर से देखने में एंड अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. ये अगर आप देखोगे ना ऊपर, वहाँ पर बिल्कुल टॉप पर ना शिवजी जी का सर बना हुआ है, जिसके साथ ही में वो इतना सुंदर त्रिशूल बना हुआ है. तो मंदिर में यहाँ पर बाहर लिखा गया है कि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बिकॉज हैवी फाइन्स लग जाएंगे. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप से दिखाती हूँ कि अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर नंदी जी का स्वरूप बना हुआ है ठीक उसी तरीके से, जैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी उसके अंदर मैंने आपको पशुपतिनाथ टेम्पल में दिखाया था कि वहाँ अंदर भी बहुत बड़ा नंदी जी का स्वरूप था. सो यहाँ आकर आपको एक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जानने को पता लगेगा. जो पृथ्वी नारायण शाह थे वो जो नेपाल के फर्स्ट फाउंडर थे एंड लास्ट एम्परर थे ऑफ गोर्खी एम्पायर के. जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर आकर पूरा काठमांडू वैली का जब उन्होंने व्यू देखा ना, उनको देखकर उनके मन में ऐसा आया कि क्यों ना वो इसे अपना किंगडम बना रहे. पूरे नेपाल को उन्होंने कॉन्कर किया एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ नेपाल. एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग भलेश्वर टेम्पल आओगे तो यहाँ पर आकर आप जो भी विशेस मांगोगे ना तो आपकी ज़रूर पूरी होती हैं.
सो अभी हम लोग यहाँ पर टेम्पल के दर्शन करने आए थे, तो हमें और भी यहाँ पर इंडिया से लोग आए हुए मिल गए, एंड इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। भैया जी बता रहे थे कि ये आए हैं महाराष्ट्र से, राजस्थान से सॉरी, और आप तो यहीं पर आए हुए हैं जॉब से रिलेटेड, एंड यहाँ पर ही काम करते हैं, काफी टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, है ना? सो इनको तो यहाँ पर 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए, तो इनसे पूछते हैं कि नेपाल में रहकर इनको कैसा लग रहा है, जैसे ये इंडिया से हैं यहाँ पर, इनको क्या फर्क लगता है या अच्छा लगता है, कैसा लगता है बताओ। जो लोग हैं काफी कूल हैं, ज्यादा वो नहीं होते, और यहाँ का जो वेदर है काफी अच्छा है। हाँ। ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता यहाँ पे, 35 तक होता है। हाँ, ये तो ये यस यस में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठंडे ठंडे आदमी मैक्सिमम 36 टेम्परेचर जाता है अभी। हाँ। और मिनिमम आपका माइनस में भी कभी कभी चला जाता है। अच्छा, तो बट मौसम अच्छा है ये इंडिया से काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ के लोग कैसे लगे, नेपाल में अच्छे हैं या इंडिया जैसे ही है? नहीं, लोग तो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कोई कुछ लोग मिल जाते हैं जो भेंट भी करते हैं इंडिया वालों से, तो बाकी अच्छा है। वैसे बहुत अच्छा है, वैसे बहुत सुंदर बना हुआ है ना हर। कह रहे हैं यहाँ पर भी एक चीज है कि जैसे आप लॉक लगाओगे तो आप कुछ भी विश मांगोगे तो पूरी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बलेश्वर टेम्पल की ये मान्यता है, एंड एक और जगह भी ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ भी अभी नीचे आते हुए खड़े उसमें लॉक लगाने से उसमें लिखा हुआ कि आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, वैसा नेपाली में लिखा हुआ है वहाँ पे। चलो यहाँ तो ऐसी काफी जगह है जहाँ पे लोग लॉक लगाते हैं, अभी मंदिर में जाते हैं धागा यहाँ बांधा हुआ देखिए आप ये बेल के ऊपर, तो ऐसा काफी जगह है जहाँ पे मान्यता है कि इसको बांधने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। काठमांडू वैसे ही पूरा ऐसा शहर है कि जहाँ पर हर जगह मंदिर ही मंदिर, ये मंदिरों का मंदिरों का देश ही कह सकते हैं इसको। काठमांडू में हर गली में जाएंगे दो चार मंदिर आपको मिल ही जाएंगे, कहीं भी डेकोरेटेड किया हुआ मिलेगा आपको। बहुत सुंदर है, रात को उधर जाना छोटा पशुपति शानदार मिलेगा। छोटा पशुपतिनाथ टेम्पल भी जाना, हम लोगों ने बड़ा वाला देखा था। आप लोग गए थे भक्तपुर? हाँ, भक्तापुर दरबार स्क्वायर गए। यस यस, वो भी। जी से एक दिल से बात पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आकर रहना नेपाल में इंडिया से, मतलब सही है या मतलब क्या कहना चाहोगे, महंगा है सस्ता है, मतलब कैसा? नहीं, चीजें तो यहाँ इंडिया से मोस्टली काफी चीजें सस्ती क्या सारी, क्योंकि बाहर से यहाँ पे रॉ मटेरियल जो आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है सब बाहर से आता है। यहाँ है मैन्युफैक्चरिंग बट रॉ मटेरियल सब बाहर से आता है, कॉस्ट करते हैं ज्यादातर। यहाँ पे सब चीज महंगा ही है अगर देखा जाए, कॉस्टिंग लग जाती है काफी, कॉस्टली है पूरा। 61% तो इंडिया से ही ट्रेड करते हैं ना ये। यस, इंडिया और चाइना से मोस्टली यहाँ आता है, तो महंगा रहेगा लेकिन अफोर्ड महंगा है सब चीज। खाना पीना सब महंगा है मैम। जैसे भैया जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात करी कि यहाँ आएंगे तो हमें कैसी फील आने वाली है कि हम मतलब घूम रहे हैं। आप ऐसे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप सिंगापुर में, कोरिया में ऐसे घूम रहे हैं, मलेशिया में, वो सब एकदम बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, ऐसे बने हुए तिब्बतन वाली फील आने वाली है, वर्चुअल लगेगा आपको जैसे हम कम कॉस्ट में ज्यादा अफोर्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बोला, कम पैसों में अगर आपको बाहर वाली फील लेनी है ना तो यहाँ पे आओ आप, बढ़िया रहेगा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छम पायल घुंघरू लाल कर गंगना तुमे चूड़ी चंदहरा, चुनरी तेरी हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। हम लोगों ने जस्ट अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो 360 व्यू वाली, बहुत मतलब मजा आया, मैंने पहले कभी नहीं करी थी, एंड मैं वो वीडियो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं, बिकॉज पीछे आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको टॉप पर बहुत अच्छे से व्यू दिखाती हूँ माउंट एवरेस्ट का। सो अभी पता लगा यहाँ से ऊपर माउंट एवरेस्ट का व्यू देखने के लिए भी टिकट परचेज करनी पड़ती है, जो कि है 50 नेपाली रुपीज पर पर्सन के हिसाब से। ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर आपको टिकट लेके आप लोग ऊपर पहुँचोगे, एंड यहाँ से आपको बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलेगा, पूरे माउंटेन्स की आपको रेंज देखने को मिलेंगी, एंड पीछे वाले माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। और मैं आपको अभी चलकर दिखाती हूँ कि माउंट एवरेस्ट कौन सा है, यहाँ पर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखने वाला है। तो अभी जो आप बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी हाईलाइट कर दिया है, वो है माउंट एवरेस्ट। पीछे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा काला काला सा पहाड़ दिख रहा है, एंड आगे काफ़ी हाईएस्ट पीक्स ही नज़र आ रही है। सो जूम करके बहुत इजीली दिख रहा है, अदरवाइज अगर आप लोगों को देखना है तो आप इससे भी देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर देखने को मिलेगा। मैं भी अभी ट्राई करके देखूंगी, बिल्कुल जूम इन करके आप बारीकी से देख सकते हैं, व्यू बहुत अमेजिंग है यहाँ। अब मैं जूम इन करके देखने लगी हूँ माउंट एवरेस्ट को। हाँ, मुझे दिख गया, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, पीछे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ब्लैक ब्लैक सा है, आगे वाला तो माउंटेन बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है।
हम लोग माउंट एवरेस्ट जा तो नहीं सके बट यहाँ से बिल्कुल क्लियर उसे देख तो लिया, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आकर लोग प्रॉपर ट्रैक करके जाते हैं माउंट एवरेस्ट एंड काफ़ी दिनों का वो पूरा टूर होता है ऊपर ट्रैक करके जाने का। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ज़रूर करना, बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फॉरेन टूरिस्ट दिखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं नेपाल में स्पेशली माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। गौतम तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी आगे डबल कर करके देख रहे कैसा नज़र आ रहा है गौतम। सो यहाँ पर आदेश भैया जी होते हैं एज अ गार्ड जो यहाँ पर बिल्कुल बताते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो भैया जी बताना यहाँ पर और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। हम इधर से वो साइड माउंट एवरेस्ट हो गया, वो माउंट एवरेस्ट हो गया, अरे टेम्पल का टेम्पल के लेफ्ट साइड में उधर गौरी शंकर है और इधर आगे लांगटांग के बाद उधर जो दिख रहा है ना वो जो क्लाउड्स है उधर वो वाला गणेश हिमालय और उधर उधर जो वो तो अच्छे से विजिबल नहीं है पर वो मनासलू का रेंज है, मनासलू का वो आगे वाला। अच्छा इसके लेफ्ट साइड पे वो अन्नपूर्णा। अच्छा तो कुल मिला के यहाँ पे छह देखते हैं, छह पॉइंट देखते हैं। वाओ कितना अच्छा है ना, एक जगह पर आकर आप छह माउंटेन्स का व्यू ले सकते हैं तो 360 व्यू आपको देखने को मिलेगा, अमेजिंग। एंड इस स्पॉट पर आपको थोड़े खाने के लिए ऐसे आइसक्रीम पार्लर वगैरह भी दिख जाएंगे, यहाँ पर चाय कॉफ़ी के लिए है, टी स्टॉल बना हुआ है एंड वॉशरूम्स वगैरह की भी फैसिलिटी है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमें इतना अच्छा व्यू देखने को मिला, मतलब इतना ज़्यादा क्लियर था, हर चीज़ हमने अच्छे से देखी एंड एन्जॉय करी। एंड अभी हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं एंड मैं सोच रही थी जिप लाइनिंग करूँ बट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर आके पता ही नहीं लगता टाइम कैसे बीत जाता है। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम हो पाए तो ज़रूर करेंगे और आप लोगों को सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग आएँ तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है एंड अभी हमने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको कवर अप करके दिखानी है, जैसे स्वंभूनाथ टेम्पल हम लोग आप लोगों को लेकर जाएंगे, काठमांडू दरबार स्क्वायर है, वो सब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में।